तो जी फ्रेंड्स, आज जो है ना कोई आपको नहीं करूंगी, बस रफली थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करूंगी। तो ये पाउच मेरे साथ तो चलिए मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। छुपाने के लिए फिंगर के रात आई है। आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? वो लाला की लिपस्टिक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी आज स्टार्ट में बोल रही हूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है ना कोई आपको मेरी डेली रूटीन नजर नहीं आएगी। बस आज जो है मैं जल्दी जल्दी उठी और अभी शॉवर लिया और अब अपने बाल ड्राई कर रही हूँ और बाल ड्राई करके उनको हल्का सा आयरन करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, लाइट सा आयरन करूंगी और उसके बाद करूंगी लाइट सा मेकअप, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करने लगी हूँ। तो अभी मेरे जो सैया सुपरस्टार हैं वो जॉब से नहीं आए हैं, क्योंकि आज वो वहीं पे ही रहेंगे और मैं जा रही हूँ मम्मा और अपनी बहन के साथ एक जगह जरूरी काम। तो कहाँ जा रही हूँ जी? चले चलते हैं और रेडी होते हैं। बाल जो है ना मैंने ड्राई कर लिए हैं, तो अब मैं इनको हल्का सा आयरन करूंगी। तब तक वो गरम होता है, तब तक अपने आयरन मेरा तकरीबन गरम हो चुका है। सेक्शन लेते हैं, ज्यादा मैं पेंसिल स्ट्रेट नहीं करूंगी, बस रफली थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करूंगी। और जी बस मेरा यही है कि आज मैं आपके साथ कुछ थोड़ा हटकर शेयर करूं। कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अगर मेकअप कर ही रही हूं तो दिखा दूं। हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है मेकअप करने का, तैयार होने का। मेरे बहुत सी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे कहती हैं स्वीटी जी जब भी कभी आप मेकअप करें तैयार हों हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, छोटी छोटी टिप्स मिल जाती हैं। और जी ये है मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मेकअप पाउच, जिसके अंदर मैंने अपना डेली रूटीन के लिए जो मेकअप है ना मैंने वो रखा होता है। कुछ ज़्यादा नहीं, देखें अंदर से गंदा भी हुआ है। तो अगर मुझे कहीं जाना हो इमरजेंसी, रात अगर कहीं स्टे करना हो, तो ये पाउच मेरे साथ जाता है, मेरे साथ। तो चलिए मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी थोड़ी सी मैं ये क्रीम लगा लूंगी। गार्नियर बायो की ये क्रीम है जो कि बहुत ही अच्छी है और इसी से मैं अपना फेस जो है मॉइस्चराइज करूंगी। आपके पास कोई भी कोल्ड क्रीम है आप उसके साथ कर लें। ये वाली क्रीम बहुत अच्छी है और विंटर्स में मैंने यही यूज़ की है। इससे जो है ना स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर एक जो है ना सॉफ्टनेस आ जाती है जैसे। और आज मैं लगाऊंगी ये टीवी स्टिक है, ये है रिवाज की, रिवाज यूके की, ठीक है। मैं हमेशा लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं टीवी स्टिक बेस रिवाज यूके की लेकर आई और मैंने सोचा कि अब ये भी ट्राई करते हैं। तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपने फेस पे लगा रही हूँ, तो देखें आप इससे बेस मेरी कैसे बनती है। तो जी बेस मैंने अपनी बना ली है, ठीक है। और अब ये बी क्यूट का है, फेस पाउडर है, हल्का हल्का लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। बस खरीद लाई हूँ तो सोचा ये भी लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस इतना लगाऊंगी कि जो मेरी बेस है ना वो सेट रहे। क्योंकि जब आप ऐसी बेस यूज करते हैं तो उसके लिए आपको ये तो लगाना ही पड़ता है। लिक्विड बेस पे मैं ये बिल्कुल नहीं लगाती। और जी अब मेरा ये मोस्ट फेवरेट ब्लश ऑन जो कि मैं लगाऊंगी। इसके बाद आ जाते हैं अपनी आईज की तरफ।
और ये है हुदा ब्यूटी का, जो कि मेरे लिए लेकर आई थी फिजाबाजी, तो मैं आज ये यूज़ करूँगी। इसका कोई लाइट सा शेड ही मैं यूज़ करूँगी और इसके साथ ही मैं करूँगी ताकि ब्लेंडिंग भी हो जाए और एक अच्छा सा भी आ जाए लुक। मैं हमेशा पहले बेस बनाती हूँ और बेस बनाकर अपना मेकअप बिल्कुल मैं डन कर लेती हूँ, जिसमें फेस पाउडर हो गया या ब्लश ऑन हो गया या कंटूरिंग हो गई। और कंटूरिंग जो होती है ना, जो हम ब्राउन शेड के साथ करते हैं, वो तो आप वेडिंग्स पे अगर जा रहे हैं तब आपके लिए दी बेस्ट रहती है, लेकिन अगर आप किसी के घर जा रहे हैं दावत पे या कोई पार्टी मेकअप है, उसमें मेरे ख्याल में कि आपको इतनी कंटूरिंग अपने फेस की नहीं करनी चाहिए। नेचुरल मेकअप जो होता है बहुत अच्छा लगता है। अब ये मेरा नेचुरल मेकअप नहीं है, ये भी एक प्रॉपर मेकअप है। हर चीज़ जो है नुमाया हो रही है, आंखों का मेकअप अलग से नज़र आ रहा है, चीक्स का, नोज़ पे एक शेड नज़र आ रहा है, डबल चिन कवर करने के लिए नज़र आ रहा है। कंटूरिंग के बाद जो है एक फेस की ड्राइंग ऐसी हो जाती है जैसे पेंसिल के साथ जो है फेस तैयार किया हुआ है, तो वो वेडिंग के लिए दी बेस्ट रहता है, जिसमें हमने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी होती है तब के लिए वो अच्छा रहता है। लेकिन किसी के घर जाते हुए उस तरह का मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अवॉइड किया करें आप किसी के घर जाते हुए अपने फेस को जो है कंटूर करना, अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर इतनी लाइट्स नहीं होती और आपका फेस जो है ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वेडिंग्स पे आपको पता है चारों तरफ हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, तो उसमें वो आपका फेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मैंने जो है तीन शेड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिसमें गोल्डन है, पीच कलर है और लाइट कॉर्नर पे मैंने हल्का सा स्मोकी टच दे दिया है। तो अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ और इसके साथ आज मैं लाइट लिपस्टिक यूज़ करूँगी। और जो मैंने इसके साथ लिपस्टिक यूज़ की थी वो भी रिवाज की थी, वो बहुत अच्छा शेड था, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे पे रेड लिपस्टिक अच्छी लगती है, और जब वो घर आए मेरा मेकअप तब डन हो चुका था, उन्होंने कहा कि बेगम मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस एक रिक्वेस्ट मान लो। मैंने कहा जी बताएं, कहते हैं आप रेड लिपस्टिक लगा लो। तो अभी आप मुझे बताना कि कौन सी लिपस्टिक मेरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैं काजल लगाऊंगी, लाइनर मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, और काजल भी मैं जस्ट हाफ आई पे लगाऊंगी, यानी कि अंदर यानी कि फुल आगे तक मैं नहीं लगाऊंगी, और लाइनर मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। एक मस्कारा मेरे पास ख़त्म हो गया हुआ था। मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि अगर आपका मस्कारा ख़त्म हो गया है, आप उसको फेंकें नहीं, आप उसको यूज़ इस तरह से करें जिस तरह से मैंने अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाया था। पेंसिल लगा कर उसकी एक ड्राइंग करना, उससे बेहतर है कि आप नेचुरल ही अपनी आईब्रोज को रखें। तो वो वाला जो पेंसिल थी ना रिवाज वाली, वो मेरा मोस्ट फेवरेट शेड था एक नेचुरल मेकअप के लिए। और यहाँ पे जी हस्बैंड की डिमांड पे उनकी दी हुई लिपस्टिक जो है मैंने यूज़ की, और अब मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो जी मैं भी अब रेडी हो चुकी हूँ, और बस ये भी खैर से जॉब से आ चुके हैं, लेकिन अभी ये दो घंटे अच्छा। बाद दोबारा चले जाएंगे। अच्छा। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मेरी शादी का ड्रेस है, तब मैंने ये रेडी करवाया था। मैं आपको थोड़ा सा दूर जाकर दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ड्रेस, ठीक है, ये मैंने अपनी शादी पे बनवाया था, और काफी टाइम बाद पहन रही हूँ, है ना। क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, लॉन मैंने अभी पहननी नहीं है, सर्दियों के कपड़े पहने नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शिफॉन का ड्रेस जो है ये पहनती हूँ। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये अच्छा, ठीक है, सही है। थोड़ा और चल के दिखाओ, क्यों कैटवॉक कर रही। तो जी अब बस मैं निकल रही हूँ, और मुझे छोड़कर, ये चाबी मुझे छोड़कर परदेसी मेरे यारा, बड़ी रहे क्या हो गया, वादा निभाना, जहाँ भी जाओगे ना कैट का मुझे याद रखना, कहीं भूल न जा। बात सुनो यार, कैट का फूड डाल देना, ठीक है, पानी डाल देना, ऐसे ना जाना घर से बाहर। तेरे इश्क में नाचेंगे तो क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाए। बाज आओ कैट का, डम डम डिगा 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 डम डम डिगा। तो जी मलिहा इस टाइम मेरे साथ, मलिहा चले आप सलाम नहीं करेंगी, और हालचाल पूछे सबका। आई फाइन है, आपने पूछने सबका हाल, यू फाइन, यू फाइन। अच्छा जी मलिहा कह रही है यू फाइन, और सब कह रहे हैं आप कैसी हैं। आई एम फाइन आल्सो। तो बस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, और ये मेरे घर के पास ही असलम मॉल है, हम यहाँ पे आए हैं, हमने सोचा कि कुछ साथ ले जाते हैं। और यहाँ फ्रंट पे हनी है, हनी हनी से भी मैं आपको सलाम करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हनी, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका।
सब ठीक है। आप बताएं आप कैसी हैं? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक। सबको आपसे गिला होता है कि आप व्लॉगिंग नहीं कर रही, व्लॉग नहीं अपलोड कर रही। मैं व्लॉग के मामले में थोड़ी लेजी हूँ लेकिन फिर भी लगा देती हूँ। हाँ तो अभी हनी ने मुझे पिक किया है और अभी हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ, मम्मा को पिक करेंगे और बाकी का व्लॉग जो आकर के स्टार्ट करते हैं। और जी बस अब हम जा रहे हैं एक बेकरी। पहले हम यहाँ पे आए थे असलम मॉल कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं लेकिन यहाँ नहीं मिला था। अब हम केक एंड बेक्स जाएंगे और रास्ते में हम फिर मम्मा को भी पिक करेंगे और मेरा आज का जो व्लॉग है होता है यहीं पे दी एंड। बस मेकअप ट्यूटोरियल जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको मेरा लाइट सा तो नहीं था, रेड लिपस्टिक के बाद काफ़ी हैवी हो गया था मेरा आज का मेकअप। आपको कैसा लगा, मेरी लुक कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।